टीकमगढ़ में सड़क हादसा हुआ। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, दो बाइकों की भिड़ंत हुई थी और मुड़ीखेरा रोड की घटना बताई जा रही है। टीकमगढ़ में जबरदस्त हादसा हुआ है, सड़क हादसा। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है, दो बाइक आपस में टकरा गई, दो बाइकों की भिड़ंत में चार लोगों की जान चली गई है। मुड़ीखेरा रोड की यह घटना है, तेज रफ्तार बाइक आपस में टकराई और चार लोगों की मौत हुई। टीकमगढ़ में यह सड़क हादसा हुआ, दो बाइक की जबरदस्त भिड़ंत और चार लोगों की जान चली गई। मुड़ीखेरा रोड की यह पूरी घटना। धार से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने पिटगारा से अवैध शराब से भरा कंटेनर बरामद किया। कंटेनर में अंग्रेजी शराब भरी हुई थी और इसकी कीमत 78 लाख रुपए बताई गई। बदनावर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध शराब से भरा कंटेनर रतलाम से गुजरात की ओर जा रहा है और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ लिया। तो धार से बड़ी खबर, जहां अवैध शराब के कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा है। बरामद शराब की कीमत 78 लाख रुपए बताई जा रही है। तलाशी लेने के दौरान उसमें अवैध शराब बड़ी मात्रा में भरी हुई थी एवं इस शराब का कोई वैध परमिट या लाइसेंस उक्त चालक के पास में नहीं था, जिस पर से तलाशी लेने पर 700 पेटी कुल विदेशी मदिरा उक्त शराब की कुल कीमत 78 लाख रुपये एवं जब्त शुदा ट्रक की कीमत 30 लाख रुपए, इस तरह से कुल 1,08,00,000 रुपए का मशरूम का जब्त किया गया। श्योपुर में प्राथमिक सरकारी अस्पताल परिसर में स्थित एक पेड़ से दुपट्टे का फंदा बनाकर 10वीं क्लास की आदिवासी छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा ने आत्महत्या क्यों की इसका पता नहीं चल पाया अभी तक। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूं, मेरी जीने की इच्छा नहीं है। सुसाइड नोट अधूरा है, इस वजह से छात्रा ने आगे क्या लिखा ये पता नहीं लग सका। पुलिस ने मामला दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम करा के मामले की जांच शुरू कर दी। हरदा जिले के सराली थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के घर के सामने रहने वाले बलराम मालवी नामक शख्स ने गुटखा मांगने के बहाने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे गुटखा पाउच मंगाने के बहाने बुलाया और दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी फरार है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सिराली थाने पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। आठ बजे की घटना है, नाबालिग बच्ची को उसके घर के सामने रहने वाला युवक बलराम मालवी, बच्ची अकेली थी तो उसको रास्त्री लाने के बहाने से उसने अपने घर में बुलाया और उसी दरमियान उसके साथ उसने गलत काम उससे नाबालिग के साथ किया और उसको उसके घर छोड़ दिया। जब बच्ची के परिजन घर पे आए, उसकी माँ और मामा वगैरह, तब बच्ची ने रोता हुआ देख के उससे घटना के बारे में पूछे। तत्पर उसके पश्चात वे थाना आए और थाने में संपूर्ण घटना के बारे में उन्होंने रिपोर्ट लेकर कराई। सूचना पर तत्कालीन धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी हेतु हमने रात में ही टीम रवाना की है। आरोपी घटना कारित करने के उपरांत ही गांव से फरार हो गया था। शीघ्र ही हम इसमें आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे। रैली से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति पटेल के घर पर हमला हुआ। पटेल ने हमला कराने का आरोप बीजेपी उम्मीदवार गोपाल भार्गव पर लगाया है। वहीं भार्गव ने मामले पर सफाई देते हुए हमले को नौटंकी करार दिया।
सागर के रहली में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के घर फायरिंग और वाहन में तोड़फोड़ मामले में बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ज्योति पटेल राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन इनकी जमानत जब्त हो सकती है, इसीलिए अपनी हार छुपाने के लिए प्रत्याशी ऐसा कर रहे हैं। भार्गव ने हमले को नौटंकी बताया और हत्या की आशंका जताई। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ज्योति पटेल की गाड़ियों में हथियार, गोला बारूद, पिस्टल जब्त हुई है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग आई है, पुलिस इस बात की बारीकी से जांच करे। यहाँ पे आके और इस प्रकार से मैं मान के चल रहा हूँ कि हथियार बंद होके गाड़ियों को लाव लश्कर लेके आना और बस्ती के लोगों को आतंकित करना, तो अब ये तो गड़ा घुटा है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि कोई आदमी ऐसी बात सहन करे। तो मुझे जानकारी मिली, मैं तो अभी घर पे ही था, अभी बाहर निकला हूँ रात को, तो मुझे जानकारी मिली कि इनके गाड़ियों में हथियार, असलाह, गोला बारूद, तमाम प्रकार के पिस्टलें और उसके कारतूस, ये सभी जब्त हुए हैं। मेरे पास में उसका रिकॉर्डिंग भी आई है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति की हत्या करके और ये हत्याकांड करके चले जाएं डरा के कि अगली बार चुनाव में कोई खड़ा नहीं हो इन गुंडों के सामने। वहीं रहेली के कांग्रेस उम्मीदवार के घर फायरिंग और वाहन में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव पर फायरिंग करवाने के आरोप लगाए। गोपाल भार्गव रहेली से 8 बार से विधायक हैं, वो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर सियासत भी काफी हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मामले को लेकर धरना भी दिया। छतरपुर के राजनगर विधानसभा में चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता की सलमान खान की मौत पर सियासत जारी है। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और खजुराहो थाने के सामने शव रखकर धरना दिया। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये सब लोग साथ गए थे, वहाँ क्या निर्णय हुआ है ये आप उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। मैं तो परिवार के साथ हूँ। मैं जो इनका अभी कब्रिस्तानी जाने का जो भी तय होगा उस पर मैं उनके साथ जाऊंगा और उनका जो दफनाने का कार्यक्रम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम धरना समाप्त करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जो आश्वासन पुलिस प्रशासन ने दिया है सख्ती से कार्रवाई करने का, वो करना चाहिए, करना पड़ेगा, अन्यथा इसको फिर से हमें धरने की कार्रवाई पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने सलमान पर गाड़ी चढ़ा दी जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी सहित 20 लोगों पर मामला दर्ज किया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान के आखिरी मिनट तक प्रत्याशियों के साथ उनके परिवार और कार्यकर्ताओं ने जमकर पसीना बहाया। अब नेताजी थोड़े रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी लंबे समय बाद परिवार के साथ सुकून से वक्त बिता रहे हैं। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान खत्म हो चुका है। इस बीच दिवाली भी हुई, नवरात्रि भी गुजरी और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने जमकर पसीना बहाया, मेहनत की। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जो अभी दक्षिण पश्चिम से मौजूदा विधायक भी हैं और इस साल फिर उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से अब परिवार के साथ उन्हें रिलैक्स होने का समय मिल रहा है। उनकी धर्मपत्नी है, उनके बेटे हैं और उनकी बहू भी हैं और पूरे परिवार ने चुनाव में मेहनत की है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव का ट्रेंड अब बदल गया है, जिस तरह से जनता अब जागरूक हो गई है, तो जनता तक अपनी बात पहुंचाना उतना आसान नहीं होता। चलिए सबसे पहले पीसी शर्मा जी से बात कर लेते हैं। सर, कितना चुनौतीपूर्ण ये इलेक्शन रहा, बीच में त्योहार भी रहे, कैसे मैनेज हुआ सब कुछ? वैसे तो हर इलेक्शन चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसमें इसके आसपास नवरात्रि भी आई, दिवाली आई, दूज आई, सभी जितने त्योहार हो सकते हैं वो सब इस बीच आए और उसी में चुनाव का कैंपेन भी करना है और त्योहार भी मनाना है,
और लोगों से कनेक्टिविटी बना के रखना, निश्चित तौर पे एक अलग टाइप का चैलेंज तो था, लेकिन वो सब मैनेज किया, परिवार ने मिलकर मैनेज किया। बिल्कुल, परिवार ने मैनेज किया। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो मैम आपका रहा होगा, आप कैसे सुबह से पूरी तैयारी, जब प्रचार के लिए निकल रहे हैं तो खाने पीने का ध्यान रखना, तमाम चीजों का ध्यान रखना, आपके दिन की शुरुआत कैसे होती थी? जी, बहुत ही बिजी और उनको हर चीज हाथ में जल्दी से दौड़ के देना रहता है, नहीं तो खाने पीने की परवाह ही नहीं रहती थी, एकदम निकल जाते थे। तो हर चीज हाथ में देकर जो भी बनता फिर हम लोग निकलते थे। तैयारी। अच्छा, मैं आपने कहा ना कि बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, जल्दी से चुनाव के लिए, अभियान के लिए निकल गए, प्रचार के लिए निकल गए, तो जनता को फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, वो तो है, हमेशा जनता को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। बाद में अपना तो ख्याल रखते ही नहीं, खाने पीने की कोई परवाह नहीं। तो वो सब हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, पूरे परिवार ध्यान रखता है इनका। 15 से 20 हजार के मार्जिन से चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं आपके जो साथी हैं, आपकी भी जनता से अब दिन भर कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात का सिलसिला तो रहा होगा, कैसा फीडबैक है? मध्य प्रदेश की भी हम पूरी बात करेंगे दक्षिण पश्चिम के साथ। नहीं, सपोर्ट तो है, उसकी वजह है कि 5 साल लगातार लोगों बीच में रहे, और 5 साल नहीं, इस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे 25-30 साल हो गए। मैं बीडीए का अध्यक्ष था, तब से कनेक्टिविटी थी, उसके बाद एमएलए हो गए, फिर जिला अध्यक्ष हो गए, एमएलए, मंत्री, सभी पदों पे एक तरह से रैली हैं। तो मैं समझता हूँ जो वो कनेक्टिविटी, 5 साल का काम, और कोविड काल में लोगों की मदद जो की है, क्योंकि 3 बार कोविड हुआ था मुझे, और हर आदमी इंजेक्शन और ऑक्सीजन से परेशान था, और बाकी विकास के कार्यों में जैसे कोविड आया तो आईसीयू एक पूरा का पूरा कमरा बना दिया जेपी में। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।